डेटा सेंटर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और सुबह से आपने देखा है कि डेटा सेंटर से कैसे अपडेट कर रहे हैं। शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डेटा सेंटर से। शैलेश, आप हमारे दर्शकों को ताज़ा अपडेट बताएं, चूंकि आप ऐसी जगह पे हैं जिसका बहुत महत्व हो जाता है और महत्व बढ़ जाता है जिस दिन मतदान होता है। इस समय हम मौजूद हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में। ये एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कमरे के बाहर ठीक सामने की तरफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं अजय शुक्ला जी, उनका कमरा, और ये पूरा एक कंट्रोल रूम जहां पर पल पल की जो खबरें हैं उनकी अपडेट ली जा रही है। यहां पर ये पूरी एक टीम आप देख सकते हैं जो बैठी हुई है। जो भी जगह जगह से चाहे शिकायतें आ रही हैं उनकी भी यहां पर जानकारी ली जा रही है, ब्यौरा बनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें, 9 बज चुके हैं राजेंद्र, यानी जो 7 से 9 बजे तक का डेटा है वो पूरा हो चुका है, उसे कंपाइल किया जा रहा है। अब से 15 से 20 मिनट के अंदर कितने परसेंट वोटिंग हुई है इन तीनों उपचुनाव की जो सीटें हैं उन पर, वो डेटा भी अब से 15 से 20 मिनट के अंदर सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए पूरी टीम इस पर लगी हुई है, काम कर रही है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो शिकायतें हैं चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, रालोद की तरफ से हो, वो शिकायती पत्र भी यहाँ पर लगातार मॉनिटर किए जा रहे हैं। एबीपी गंगा पर देखिए आप सारी चीजें, जो ताजा अपडेट है वो भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं, और एक एक जो अभी हम लोग ट्वीट भी दिखा रहे हैं तो उन चीजों का भी इलेक्शन कमीशन लगातार संज्ञान ले रहा है कि किस तरह की शिकायतें आ रही है। जो लिखित शिकायतें यहाँ पर दी जा रही हैं वो भी देखी जा रही है, और जो ट्वीट्स के माध्यम से, चाहे वो जैसे अभी हमने देखा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट था, उस तरह के जो ट्वीट है तो उनके माध्यम से जो चीजें जानकारी में आ रही है उनकी भी मॉनिटरिंग की जा रही है। लगातार जो जिले के अधिकारी है उनसे संपर्क किया जा रहा है, लगातार जो बड़ी चीजें हैं उसकी अपडेट जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दी जा रही है, जिससे चीजों को और स्मूथली किया जा सके, कहीं पर कोई समस्या ना रहे। तो देखिए अब 9 बजे तक का जो डेटा था वो तैयार जो है वो किया जा रहा है, वो भी बन रहा है। हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ पर, आप जब देखेंगे यहाँ पर जितनी चीज़ें, तो जितनी भी शिकायतें हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर अरविंद सिंह की तरफ से जो समाजवादी पार्टी के, उनकी तरफ से कोई पत्र आया हुआ है तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं निगाह रखी जा रही है। रालोद की तरफ से पत्र आया। इसके अलावा जो जगह जगह से बूथ को लेकर समस्याएं, जैसे कहीं पर ईवीएम की है या कहीं पर किसी तरह से कोई आरोप किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, तो उन चीज़ों को भी लगातार यहाँ से मॉनिटर किया जा रहा है, उनको भी यहाँ पर देखा जा रहा है। एक एक चीज़ का जो डेटा है वो यहाँ पर कंपाइल हो रहा है। कुछ देर में तस्वीर सामने आ जाएगी कि कितने परसेंट वोटिंग हुई मैनपुरी में, रामपुर में या फिर खतौली में। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही चलेश, के सुबह 9 बजे तक का डेटा रिलीज किया जाता है और सुबह 9 बज चुके हैं, तो अब उम्मीद की जा सकती है शैलेश के किसी भी वक्त किसी भी क्षण जो लोग आपके सामने लगातार काम कर रहे हैं वहाँ डेटा सेंटर में बैठकर, और जिनके पास सारे इनपुट्स हैं फील्ड से, यानी कि रामपुर से, खतौली से, मैनपुरी से, वो बहुत जल्दी वो डेटा कंपाइल करके रिलीज कर देंगे, सार्वजनिक कर देंगे। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।